चलो बच्चा सम नंबर 8 की बात करते हैं। मीन एंड वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 एंड 6/5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। तो बच्चा यहाँ पे जो बात हो रही है मीन एंड वेरियंस की, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख दिया मीन एनपी जो होगा 2 और वेरियंस जो है एनपीक्यू जो 6/5 होगा। 6/5 होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो वेरियंस अपॉन मीन करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये वेरियंस जो 6/5 है अपॉन 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनपीक्यू और ये एनपी 6/5 और ये 1/2 ही रहेगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में ही है। ये सॉल्व करोगे तो 3, ये कट करोगे तो Q इज इक्वल टू 3/5, तो P होगा 1 माइनस क्यू, तो ये आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आप बोलोगे 5 माइनस 3, तो ये आंसर आएगा 2/5। अभी आप बोलोगे सर N नहीं मिला, तो N हम ढूंढ लेते हैं, मीन हमें पता है मीन इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू 2। आप बोलोगे सर आपको P पता है 2/5, तो आप बोलोगे सर ये सामने जाएगा और ये 2 2 2 कट n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जैसे 5 आता है आप बोलोगे सर हमारे पास काम हो गया, n भी है p भी है और q भी है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू n c x इनटू p की पावर x q n माइनस x। अभी आप बोलोगे सर एक हमें ढूंढने दो, तो हम p ऑफ 1 ढूंढ लेते हैं, p ऑफ 2 आप ट्राई करना तो क्लियर हो जाएगा। p ऑफ 1 जो है बच्चा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे p ऑफ 1 है, n कितना ले सकते हैं, तो बच्चा आप बोलोगे सर n जो है वो 5 है, x कितना ले सकते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर x जो है वो 1 है, p जो है वो बच्चा आप बोलोगे सर 2/5 और यहाँ पे q जो है वो 3/5, ये हो गया 5, यहाँ पे आप बोलोगे 1 और यहाँ पे 5 माइनस 1, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 3/5 का पावर 4, ये एक 5/5 कट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये फाइनल आंसर की और आगे बढ़े, तो उसमें जो है वो यहाँ पे तो 2 लिखा जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये 81 और इसका हम चेक कर लेते हैं 5 की पावर 4 625, तो 81 आप बोलोगे 81 इंटू 2 तो ये 162 और ये 625। इसके साथ बच्चा हमारा 1 का आंसर आ गया। जैसे ये 1 का आंसर आ जाएगा तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ और ये हमारा खत्म हो गया है सम नंबर 8। सम नंबर 8 खत्म होने के बाद बच्चा अभी हम शुरू करते हैं सम नंबर 9। तो बच्चा इसमें दिया हुआ है 9 नंबर में 10 एप्पल आर रूट रोटन इन द बुक्स ऑफ एप्पल्स इन द बॉक्स ऑफ एप्पल, मतलब आप बोलोगे सर 10% जो है वो बिगड़ गए, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ ऑफ द सिक्स एप्पल सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विद रिप्लेसमेंट विद द रोटन and the find out the variance of number of rotten apple। यहाँ पे जो बोला हुआ है rotten apple की बात हो रही है, probability भी उसकी दी हुई है और हमें ढूंढना भी वही है, तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं पी के लेके, पी जो होगा वो 1 10/100, तो सॉल्व करोगे तो 0.1 और क्यू जो होगा 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 0.9। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर और क्या क्लियर करना है, तो ये क्यों बच्चा 9 सर पी लिख रहे हैं। चलो उसके बाद आप बोलोगे सर इसमें एन जो दिया हुआ है वो 6 है, एक्स है वो 3 है, तो आप बोलोगे सर उसके बाद क्या करना है, वेरियंस ढूंढना है और वो नंबर ऑफ एप्पल ढूंढना है। तो चलो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, एन जो है वो 6 से 3, P जो है वो 0.1 है, Q जो है 0.9, X जो है वो 3 है और यहाँ पे 6 माइनस 3। इसको सॉल्व करते बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई ये करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 20। इसका हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0.1 हो गया, परफेक्ट। इसके बाद आप बोलोगे 0.9 की सर पावर 6 है, कितनी है बच्चा 6 की 3, तो आप बोलोगे सर 3 है, तो 0.9 और इसका पावर 4 करेंगे तो आप बोलोगे सर 0.729। जैसे ये कंप्लीट होता है इनटू 0.001 इनटू 20 करोगे तो 0.01458 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चा वेरियंस जो होगा वो एन पी क्यू होगा, तो आप बोलोगे एन सर जो है वो 6 है,
पी जो है वो 0.1 है और ये 0.9 है। तो आप बोलोगे सर 0.1 इंटू 6 इंटू 0.9 तो ये होगा 0.54 और उसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर भी खत्म और ये खत्म हो जाएगा। शांति से प्रॉपर बच्चा नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, फिर से मिलेंगे।